अस्सलाम वालेकुम भैया सर, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं कहती हूँ सब खरीद से होंगे। आज मैं बना रही हूँ होममेड चाट मसाला, बड़े स्पाइसी और टेस्टी बनता है। तो उसके लिए आप अज्जा नोट कर लें। सबसे पहले आपको चाहिए नमक 1 टेबल स्पून, ये खाने वाला चम्मच है 1 टेबल स्पून। आपको चाहिए नमक 1 टेबल स्पून, फिर इसके बाद ये काला नमक है ये आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। इसके बाद टाटरी ये आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून, अमचूर पाउडर ये आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून, तेजपात के पत्ते चाहिए 2 से 3 अदद, छोटे हैं तो 3, बड़े हैं तो 2 अदद होने चाहिए तेजपात के पत्ते। इसके अलावा इसमें 1 अदद बड़ी इलायची, 4 सब्ज़ मिर्चें और 4 हरी इलायची, और ये है दालचीनी 2 टुकड़े छोटे साइज के, और इसमें काली मिर्च हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च, सौंफ इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, दादरी साबुत लाल मिर्चें आप 10 अदद ले लें, अगर वो नहीं है तो आप ये दादर की हुई जो मोटी मिर्च होती है साबुत चिली फ्लेक्स होते हैं आप ये ले लें 1 टेबल स्पून, जीरा 2 टेबल स्पून, सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, ये है अजवाइन आपने लेनी है 1/2 टेबल स्पून, और सुंड अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप कर लें छोटा सा टुकड़ा, अगर सुंड नहीं मिलती तो आपने अदरक का पाउडर जो है आपने वो यूज करना है 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर। तो हम ये मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इन मसालों को रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के लिए ये जो मसाले हैं पाउडर बने हुए हैं वो हम नहीं यूज करेंगे, जैसा कि ये अमचूर पाउडर है और ये अदरक का पाउडर है। जी वे सब आपने करना क्या है, एक पैन लें और उस पैन में आपने एक बड़ी इलायची, 4 अदद सब्ज इलायची हरी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, 3 छोटे पत्ते तेजपात के, जीरा 2 टेबल स्पून, सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, सौंफ बहुत जबरदस्त जायका आता है सौंफ, आपने 1 टेबल स्पून डाल देनी है। और ये जो मसाले हैं इसको 1 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे, खुशक भून लेना है हमने इन्हें। जी फिर स्टोव ऑन करें, पैन रखें और इसको आपने अच्छी तरह रोस्ट कर लेना। जी जब ये रोस्ट होते हैं तो बड़ी प्यारी खुशबू आती है, आपने इन्हें जलाना नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इन्हें रोस्ट करना है और इसी तरह आपने चम्मच को चलाते रहना है ताकि नीचे से जीरा सौंफ ये जले नहीं। अच्छा जी तकरीबन 1 मिनट हो गया है, ये रोस्ट भी हो गया, अब इनकी खुशबू भी आ रही है। अब आपने करना क्या है, इसमें आपने डाल देनी है अजवाइन, जो हमने 1/2 टेबल स्पून अजवाइन ली थी ये भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा इसको भी रोस्ट कर दिया, अब हम आंच को बंद कर देंगे क्योंकि पैन जो है काफ़ी गर्म हो चुका है, और ये दादरी जो लाल मिर्च है साबुत लाल मिर्च चिली फ्लेक्स वो आप डाल देंगे और अच्छी तरह इसे भून लेंगे। चलिए ये भी रेडी हो गया, अब आपने इसे ठंडा होने के लिए रख दें, फिर हम इसे अच्छी तरह इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर भी दरदरा सा बनाना है, बिल्कुल डस्टी नहीं बनाना। अच्छा जी इसको अच्छी तरह आपने अब ये रोस्ट हो गया है, भून लिया मैंने, स्टोव ऑफ कर दिया है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी फिर अब आपने करना क्या है, आपने ये ग्रेटर लेना है, इस
इसमें आपने डाल देनी है अदरक। ये ऑलरेडी पाउडर बने हुए हैं लेकिन आपने फिर भी इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये अदरक पाउडर था और नमक था, इनको भी आप अच्छी तरह इसमें ऐड करते जाएं। और इसमें टाटरी, टाटरी जो होती है ये दानेदार होती है, हमने इसका भी पाउडर बना लेना है, टाटरी भी ऐड कर दें। और ये काला नमक है ये भी हम डाल देंगे। और इसमें हम ये अमचूर पाउडर, ये इजीली आपको पंसार की दुकान से मिल जाता है, किसी भी जनरल स्टोर से आप ये ले सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह इसका पाउडर बना लूंगी। जी व्यूज, ये अच्छी तरह मैंने इसका पाउडर मिक्सिंग कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरह इसकी शक्ल हो गई है, कलर इसका चेंज हो गया है, ये देखें। अब मैं एक बाउल में इसको डाल दूंगी ताकि हमने तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये डालने के बाद इसको सेट असाइड। एंड नेक्स्ट प्रोसीजर, ये हमारा मसाला है जो हमने रोस्ट किया था, ये अब ठंडा हो चुका है, इसको भी हम इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। ये जरा थोड़े से तोड़ लेंगे हम। चलो जी, अभी थोड़ा सा मसाला थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर देंगे। जी वेज, अब आपने करना क्या है, ये मसाले हमने रोस्ट किए थे, साबुत मसाले, अब हम इन्हें भी पाउडर, इसका भी पाउडर बना लेंगे। जैसा कि पहले हमने पाउडर को दोबारा हमने पाउडर बनाया था, तो अब ये भी हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। जी वेज, ये देखिए इसका मैंने पाउडर, अच्छी तरह मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया क्योंकि मैंने थोड़ा सा दरदरा सा रखा है, और ये बिल्कुल डस्टी नहीं करना, बस लाइट सा रखना है इसका। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए जस्ट मैंने इसे लाइट सा पाउडर बना लिया, ये जबरदस्त। अब आपने करना क्या है, इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। अगर आप इससे भी ज्यादा मजीद चाहते हैं तो आपने करना क्या है, एक छाननी लें और उस छाननी में आपने इसे छान लेना है, और जो इसके अंदर चला जाएगा वो पनीर होगा, दरदरा सा कर लें। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, अब इसको मैंने इसमें डाल दिया, इसको ऐसे। जो अच्छी तरह इसमें डस्ट बन गई होगी वो नीचे इसमें आ जाएगी, ये देखिए, ये देखिए। और ये जो है ये जरा ज्यादा मिक्स अच्छी तरह नहीं हुआ हुआ, तो आपने करना क्या है, इसको दोबारा आपने इसके अंदर डाल देना है और हम इसको मजीद चॉप कर लेंगे, दोबारा इसको ग्राइंड कर लेंगे। जी बस, ये अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर दिया है, पाउडर बना लिया है। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, जबरदस्त। ये है होममेड चाट मसाला, जबरदस्त खुशबूदार, इसमें टाटरी भी है, खटाई भी है, सब कुछ डला हुआ है, बहुत टेस्टी बनता है। और जब भी आपने यूज़ करना हो, बाजारी नहीं आपने इस्तेमाल करना, घर का बना हुआ आपने ये चाट मसाला इस्तेमाल करना है, और इसका टेस्ट, फ्लेवर, खुशबू सेम है। बस ये है कि बाजारी जो होता है पैकेट में वो ज़्यादा पिसा हुआ होता है। मैं ज़रा दरदरा रखा है, अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद आप पाउडर बना सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है, ज़बरदस्त, फंटेस्टिक। नमक, मिर्च और खटाई बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे लग रहा है जैसे पैकेट का बना हुआ है। अब आपने करना क्या है, कोई सा भी कंटेनर ले लें या बाउल ले लें, और आपने इसमें डाल के, ये देखिए कितना ज़्यादा बना है, बाजार से भी, बाजारी पैकेट से भी ज़्यादा बना, इतना तो पैकेट में नहीं होता जितना घर के मसालों से। ये देखिए मैंने चाट मसाला बना दिया है, और आपने इस तरह इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के इसको महफूज कर लें। सर्दियों का मौसम है, बाहर ही रखें, कैबिन में रखें, गर्मियों में ज़रा होता है कि मसाले ख़राब ना हो जाए, इन्हें कीड़ा ना लगे, इन्हें कीड़ा भी नहीं लग सकता क्योंकि मैंने अच्छी तरह इनको भून लिया था, रोस्ट कर लिया था। अब आप ये जो मैंने चाट मसाला बनाया है, तकरीबन आप इस चाट मसाले को 5 से 6 माह तक महफूज कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा 5 से 6 माह तक, क्योंकि मैंने इनको अच्छी तरह भून लिया था। आप इस
इंग्रेडिएंट के साथ ये चाट मसाला बनाएं, जबरदस्त बनाएं। आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका कैसा बना है, आपने इसका टेस्ट किया तो आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।